हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर सिविल इंजीनियर। गाइस, ये क्वेश्चन गेट 2020 में सॉइल मैकेनिक्स के चैप्टर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल से पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करता हूँ। इन ए ड्रेनेज ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट, ए सैंपल ऑफ सैंड फेल्स एट डिवेटर स्ट्रेस ऑफ 150 किलो पास्कल अंडर कन्फाइनिंग प्रेशर ऑफ 50 किलो पास्कल। तो हमने क्या किया है, ड्रेनेज ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट किया है सैंड के लिए। ठीक है, तो हमारी सॉइल कौन सी है, यहाँ पे सैंड है। ठीक है, तो सैंड के लिए हमने टेस्ट किया है और यहाँ पे सिग्मा जी, जो सिग्मा डी हुआ डिवेटर स्ट्रेस, उसका वैल्यू हमें प्रोवाइड किया है 150 किलो पास्कल पे। जब सिग्मा डी का वैल्यू 150 किलो पास्कल पे रीच करता है तो हमारी सॉइल फेल हो जाती है। और साथ में ये भी कहा गया है कन्फाइनिंग प्रेशर भी लग रहा है इस सैंड में, वो कन्फाइनिंग प्रेशर कितना है, 50 किलो पास्कल है। कन्फाइनिंग प्रेशर को हम सिग्मा 3 से डिनोट करते हैं। कन्फाइनिंग प्रेशर क्या होता है, जैसे ये हमारा टेस्ट है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमने सॉइल को पुट किया है, हमारी सॉइल यहाँ पे सैंड है। ठीक है, तो इस सैंड को चारों साइड से एक स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा 3, जिसको हम कन्फाइनिंग प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, तो कन्फाइनिंग प्रेशर बोलो या कन्फाइनिंग स्ट्रेस बोलो, एक ही चीज़ है। तो कन्फाइनिंग स्ट्रेस को सिग्मा 3 से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू हमें प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, सो गाइस, अब आप यहाँ पे ये समझेंगे, सपोज ये ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के नीचे मेरी सॉइल है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए। अब इस पॉइंट ए पे ड्यू टू पार्टिकल्स अराउंड इट, इसके अराउंड बहुत सारे सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, उन पार्टिकल की वजह से इस पॉइंट ए पे एक कन्फाइनिंग प्रेशर लगेगा। कन्फाइनिंग मीन्स हर साइड से जब प्रेशर लगेगा इस पॉइंट ए पे, तो उसको हम कन्फाइनिंग प्रेशर बोलते हैं। तो कन्फाइनिंग प्रेशर बोलो या कन्फाइनिंग स्ट्रेस बोलो, जिसको हम सिग्मा 3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है जब इस पे हम एक्स्ट्रा लोड लगाते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ फिगर में बता दिया पहले ही कि जब हम ट्रायक्सियल टेस्ट करते हैं तो इस सैंपल को हम चारों साइड से कन्फाइनिंग प्रेशर देते हैं सिग्मा 3, लेकिन जब हम इसमें वर्टिकली कोई लोड लगाते हैं, सपोज यहाँ पे इस सॉइल के ऊपर मैंने कंस्ट्रक्शन की कोई स्ट्रक्चर बिल्ड किया, तो इसकी वजह से कुछ लोड लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उस लोड को हम सिग्मा 3 में ऐड करते हैं, जितना भी लोड लगा उसको ऐड करते हैं, और उस लोड को हम डिवेटर स्ट्रेस बोलते हैं, तो इसको हम सिग्मा डी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में जितना भी लोड लग रहा है तो इसको हम सिग्मा 1 से डिनोट करते हैं, और सिग्मा 1 कितना होगा, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। ठीक है, तो इसको हम माइनर स्ट्रेस बोलते हैं, सिग्मा 3 को सिग्मा 1 को मेजर स्ट्रेस बोलते हैं और सिग्मा 3 को माइनर स्ट्रेस बोलते हैं, और सिग्मा डी वो हमारा डिवेटर स्ट्रेस। अब आपको समझ आ चुका होगा कंसेप्ट क्या है। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखी, ये सॉइल मैकेनिक्स के अंदर शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल चैप्टर में बहुत ज़्यादा आप पढ़ेंगे, इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बताया है, हमें क्वेश्चन में ये बताया है कि जब सॉइल में हम टेस्ट करते हैं, ये मेरी सैंड है, इस सैंड में जब हमने टेस्ट किया तो इसमें फेलियर कहाँ पे आ रहा है, एट डिवेटर स्ट्रेस ऑफ 150 किलो पास्कल में फेलियर आ रहा है। ठीक है, और साथ में कन्फाइनिंग प्रेशर भी दिया गया है, ये बोल रहा है जो फेलियर इसमें आया है ड्यू टू डिवेटर स्ट्रेस, उस फेलियर का एंगल फाई निकाल के दो। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे एंगल फाई, उसके लिए हमें इक्वेशन याद होनी चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, इसको रट लेना। मेजर स्ट्रेस जो होती है सिग्मा 1, ये होती है सिग्मा 3 इंटू 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। आपने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा चैप्टर शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में ये इक्वेशन, प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सैंड की, हमारा क्वेश्चन में क्लियरली बताया है जो सॉइल सैंपल है वो है सैंड। सैंड के केस में सी जो होता है जीरो होता है, सैंड में चिपकन नहीं होती है। ठीक है, तो चिपकन नहीं होती है उसका मतलब क्या हुआ, सी जीरो। जब यहाँ पे सी का वैल्यू जीरो रखेंगे ये सारी टर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि सी इक्वलन टू जीरो की वजह से ये टर्म हमारी खत्म होगी। अब यहाँ से हम इजीली इस फाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, फाई यहाँ पे क्या है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई। ठीक है, इसके वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, जैसे हमें सिग्मा 1 फर्स्टली निकालना है, सिग्मा 1 के लिए क्या करेंगे, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी। सिग्मा 3 कन्फाइनिंग प्रेशर हमें प्रोवाइड किया गया है, वो है 150 प्लस 50 है डिवेटर स्ट्रेस, तो ये टोटल हुआ 200 किलो पास्कल हमारा सिग्मा 1। तो पुट करेंगे सिग्मा 1 का वैल्यू इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे 200 इक्वलन टू 50 इंटू में 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक मार्क्स का आया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 4 आ गया यहाँ पे,
4 equivalent to 10 square 45 plus 5 upon 2. इस equation को हम इस तरह भी लिख लेंगे. कैसे लिख लेंगे? 10 45 plus 5 by 2 equivalent to under root 4, वो क्या होगा? 2. क्योंकि ये square हमने यहाँ पे लिया, ये हुआ root 4. Root 4 होता है 2. अब यहाँ पे 10 inverse of 2 निकालेंगे. 45, तो यहाँ से which implies that tan inverse 2 equivalent to 45 plus 5 by 2. जब हम सॉल्व करेंगे, tan inverse का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद tan inverse का वैल्यू जितना भी आएगा माइनस 45 करेंगे, ठीक है, इनटू में 2 करेंगे, तो यहां से हमें 5 का वैल्यू आ जाता है. वो कितना आ जाता है हमें? वो आ जाता है 0.601, ठीक है. ये मेरा 5 का, यहां से, तो यहां से हमारा 5 का वैल्यू जो आएगा, phi equivalent to 36.87 degree. यहाँ पे finally हमारा phi का value आ गया है. Internal angle of internal friction, ठीक है. तो इस angle पे हमारी soil fail हो चुकी है, ठीक है. So I hope guys आपको ये question समझ आया चुका होगा. अगर आपको question समझ आया तो video को like करके share करना. अगर आपको question समझ नहीं आया, video को दोबारा देख लेना, समझ आ जाएगा.